हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्राइकलर बिजटेक नेटवर्क। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको एक बेहद ही कॉम्पैक्ट पैनासोनिक लेडी सेवर के बारे में बताऊंगा। इसको आपके सामने अनबॉक्स करूंगा और कुछ यूज़फुल टिप्स दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है। जब भी आप ऑनलाइन परचेजिंग करें तो जब आप रिसीव करते हैं गुड्स को तो उसकी फ़ोटोग्राफ या वीडियो ज़रूर बना लें, क्योंकि अगर आप जब उसको ओपन करते हैं और अगर उसमें कुछ फॉल्ट निकलता है तो क्लेम करने में, कंप्लेंट करने में वो एज ए प्रूफ काम आता है। तो ये मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि जब भी आप ऐसे प्रोडक्ट मार्केट से ऑनलाइन मंगवाएं तो वीडियोग्राफी या फ़ोटो ज़रूर लें खोलते वक्त। तो ये पैनासोनिक का आपके सामने, अभी मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ और देखते हैं कि ये देखने में कैसा है। जब हम प्रोडक्ट केस को बाहर निकालते हैं तो इसके अंदर से हमें एक वारंटी कार्ड और एक यूज़र मैनुअल मिलता है। यूज़र मैनुअल को ज़रूर ध्यान से पढ़ें सो दैट आप इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह यूज़ कर पाएँ और लॉन्ग लाइफ ये आपके साथ चले। तो चलिए अब प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। ये बॉक्स हमने ओपन किया है, इसके अंदर हमें तीन प्रकार के डिवाइसेस हैं। इसको खोल के देखते हैं तो ये हमारा सेवर डिवाइस है, ये जो है ये हमारा कॉम्ब है जो अटैच करके हम हेयर को ट्रिम कर सकते हैं। और जब हम ये पहली बार यूज़ करते हैं तो इसके जो ब्लेड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट में सेफ रखने के लिए ये कैप आता है, इसको हम कैप को निकालते हैं, निकाल कर देखते हैं। ये जो दोनों तरफ दो दो नोच बने हैं ये एक्चुअली इसकी लॉकिंग नोच है। इसमें एक ही जो बटन दिया है इससे आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, जिससे जो आप हेयर ट्रिम कर रहे हैं उसकी लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं। इस ब्लेड अटैचमेंट को ओपन करने के लिए ये दो साइड में दोनों तरफ लीवर दिया हुआ है, उसको आप प्रेस करेंगे और इसको ऊपर की तरफ पुल करेंगे। ये जब हम भी रेगुलर यूज़ करते हैं तो हर यूज़ के बाद इसको साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो ये जो आपका क्लीनिंग कॉम्ब दिया है इसकी मदद से हम लोग इसके ब्लेड्स के एरिया को अच्छी तरह साफ़ कर लें। सो इसकी जो है वो ऐसा करने से लाइफ बढ़ती है, ब्लेड की जो शार्पनेस है वो बरकरार रहती है। तो इस तरीके से आप दोनों पोर्शंस को क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद वापस इसको उसी पोजीशन में लॉक कर दें। ये देखिए ऐसे लॉक किया जाता है। इसे लॉक करने के बाद अब बारी आती है इसको चलाने की। तो इसके लिए जो बैटरी कंपार्टमेंट है वो नीचे की तरफ दिया हुआ है। इसके लिए मैं बता दूं, जब बॉक्स पे इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी दिए होते हैं, इसमें किस टाइप की बैटरी लगती है उसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसमें ट्रिपल ए की दो बैटरी लगती हैं, वो आप रिचार्जेबल बैटरी या नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसके कंपार्टमेंट को खोलते हैं। बैटरी फिट करने से पहले इसको ऐसे डाउन प्रेस करें और फिर इसको पुल कर लें। अब आप देखेंगे कि दो कंपार्टमेंट हैं बैटरी के, और इसके साथ ही आप पेंसिल सेल ले लें। ये ट्रिपल ए साइज़ का छोटा वाला पेंसिल सेल होता है, इसमें पोलरिटी दी होती है प्लस और माइनस सिंबल के साथ, जो कि डायग्राम में केस के अंदर भी बताया हुआ है। आप उसको देख लें और मैच करके लगाएं, क्योंकि अगर पोलरिटी मैच नहीं होगी तो आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा। और पावर चेकर बैटरी अगर आपके पास है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर केमिकल
लीक होता है तो कंपार्टमेंट ख़राब हो जाता है, तो उस वजह से बैटरी जो है वो उस टाइप का यूज़ करें और एक रेगुलर इंटरवल के बाद उसको बदल दें। और इस तरह ये लॉक करके अब इसको हम लोग बैटरी लगा दी गई है और इसको ऑन करके देखते हैं। ये जो आपका बटन है इससे ऑन करने पे ये आपका जो वाइब्रेटर मशीन है वो स्टार्ट हो जाता है हल्की सी वाइब्रेशन के साथ, क्योंकि अंदर मोटर रोटेट होता है तो थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है हर एपिलेटर हर सेवर में। और ये बिल्कुल मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप यूज़ करके इसको बताएं। धन्यवाद।